प्रीवियस क्लास में हमने डिजाइन टैब में वॉटरमार्क ऑप्शंस तक पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम इसके आगे के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है पेज कलर। पेज कलर ऑप्शन का यूज करके हम अपने पेज का कलर चेंज कर सकते हैं या फिर अपने पेज पे हम ग्रेडियंट, टेक्सचर, पैटर्न और पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमें अपने पेज पर कोई पेज कलर इंसर्ट करना है तो हम पेज कलर पर यहाँ पर डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमें थीम कलर्स का बॉक्स शो होने लगा। अब हम यहाँ से उस कलर को सेलेक्ट करेंगे जो कलर हमें हमारे पेज पर ऐड करना है। जैसे मुझे ये कलर पेज पर ऐड करना है तो इस कलर पर माउस पॉइंटर को ले जाएंगे और क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारा सेलेक्टेड कलर पेज पर शो करने लगेगा। अगर हमें अपने पेज का कलर चेंज करना है तो हम वापस से पेज कलर ऑप्शन पर जाएंगे। अब जो भी कलर चाहिए होगा उस कलर पर जाकर माउस से क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारे पेज का कलर चेंज हो जाएगा। हम वापस से ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पर डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। अगर हमें पेज से कलर हटाना है तो यहाँ पर नो कलर शो कर रहा है, नो कलर पर आकर क्लिक कर देंगे। नो कलर पर क्लिक करते ही पेज से कलर रिमूव हो जाएगा। पेज कलर में नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है मोर कलर्स। मोर कलर्स पे जाकर हम यहाँ से और भी जो कलर्स दे रखे हैं उन्हें भी अपने पेज पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ स्टैंडर्ड कलर्स में हमें डिफरेंट टाइप के कलर्स के वेरिएशंस दिए हुए हैं। जो भी कलर वेरिएशन चाहिए होगा उस पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे और हमारा वो कलर अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हम वापस से पेज कलर ऑप्शन पर आएंगे और मोर कलर पर जाएंगे। मोर कलर पे जाने के बाद यहाँ पर कस्टम है। कस्टम में जाकर हम किसी पर्टिकुलर कलर को सेलेक्ट करके उसका वेरिएशन अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। आपको कलर में जितना भी डार्क या लाइट इफेक्ट चाहिए उसे आप सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस कलर पर मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ प्रीव्यू शो कर रहा है, करंट कलर शो कर रहा है जो अभी पेज पर अप्लाई है और यहाँ पर न्यू में वो कलर हमें शो कर रहा है जो कलर अभी हमने यहाँ से सेलेक्ट किया हुआ है। अब अगर इस सेलेक्टेड कलर का वेरिएशन अपने अकॉर्डिंग सेट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। हम यहाँ पे आएंगे, इस एरो पर क्लिक करेंगे। अगर हम इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे तो आप देख रहे हैं कि हमारा कलर का वेरिएशन चेंज हो रहा है और इसका मोड डार्क हो जा रहा है। अगर आपको डार्कर मोड चाहिए तो हम इसे नीचे की तरफ माउस का लेफ्ट बटन से क्लिक करते हुए ड्रैग कराएंगे और ऊपर की तरफ अगर हम माउस को ड्रैग कराएंगे तो हमें कलर का लाइट वेरिएशन मिलेगा। तो यहाँ से हम किसी कलर को कस्टमाइज करके उसे भी पेज पर अप्लाई कर सकते हैं। पेज पर अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करते ही वो कलर हमें हमारे पेज पर शो करने लगा। अब अगर हमें हटाना है इस कलर को तो इसे भी हटाने के लिए पेज कलर पे जाएंगे और नो कलर पर आकर क्लिक कर देंगे। वापस से हम अपने पेज कलर ऑप्शन पे जाएंगे और हमें नेक्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है वो है फिल इफेक्ट। फिल इफेक्ट पर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पर ग्रेडियंट, टेक्सचर, पैटर्न
और पिक्चर का ऑप्शन शो कर रहा है। जैसे हम अपने शेप में किसी ग्रेडियंट, टेक्सचर या पैटर्न पिक्चर की फिलिंग करते थे, उसी तरीके से हम अपने पेज पर भी इन इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ग्रेडियंट में कलर्स दे रखे हैं कि ग्रेडियंट आपको वन कलर में चाहिए, टू कलर में चाहिए या फिर प्रीसेट में पहले से कुछ बने बनाए ग्रेडियंट्स के फॉर्मेट्स दे रखे हैं, उन्हें हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर वन कलर में हमें ग्रेडियंट अप्लाई करना है तो हम वन कलर सेलेक्ट करेंगे, कलर वन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और जिस कलर का ग्रेडियंट चाहिए होगा वो कलर सेलेक्ट करेंगे। करने के बाद यहाँ पे हम अपने कलर की मोड को सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें अपने कलर को कितना डार्क या लाइट चाहिए। जैसे ग्रीन कलर में अगर लाइट मोड रखना है तो इसे हम यहाँ पे आकर क्लिक करेंगे तो इस कलर का लाइट मोड हमें शो करेगा। अगर हमें डार्क मोड चाहिए होगा तो हम लेफ्ट साइड पे एरो है यहाँ पे क्लिक करेंगे और आने के बाद यहाँ पे जो भी कलर हमने सेलेक्ट कर रखा है उसका यहाँ पर हमें सैंपल शो कर रहा है, मतलब प्रीव्यू कि अगर हम पेज पे इसको अप्लाई करेंगे तो किस तरीके से वो कलर हमारा अप्लाई होकर आएगा। अब हमें ग्रेडियंट में यहाँ पर शेडिंग स्टाइल दे रखी है कि ग्रेडियंट में जो भी वेरिएंट्स हैं उनकी शेडिंग स्टाइल आपको कैसे रखनी है। जैसे वर्टिकल करेंगे तो जो शेडिंग स्टाइल होगी ग्रेडियंट में वो वर्टिकली आएगी, डायगनल अप, डायगनल डाउन, कॉर्नर या सेंटर, जो भी आपको जैसे भी स्टाइल रखनी है शेडिंग के उसे सेलेक्ट करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही वो ग्रेडियंट स्टाइल हमारे पेज पर अप्लाई हो जाएगी। हम वापस से अपने पेज कलर ऑप्शन पे आएंगे और फिल इफेक्ट पे जाएंगे। अब इसी तरीके से अगर हमें टू कलर्स में ग्रेडियंट चाहिए तो टू कलर्स को सेलेक्ट करेंगे। अब जिन दो कलर्स के मिक्सचर्स का ग्रेडियंट चाहिए हमें उन कलर्स को सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे हमें कलर वन शो कर रहा है, कलर वन में आप अपना फर्स्ट कलर सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी ग्रेडियंट में हमें चाहिए होगा। इसी तरीके से सेकेंड कलर को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आएंगे और जो कलर चाहिए होगा उस पर आकर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से हम उसकी शेडिंग स्टाइल वगैरह कैसी रखनी है वो सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देंगे, हमारी वो सेलेक्टेड स्टाइल आकर पेज पर अप्लाई हो जाएगी। पेज कलर में नेक्स्ट ऑप्शन पर आएंगे फिल इफेक्ट पे। अब यहाँ पर दे रखा है प्रीसेट। प्रीसेट में पहले से बने बनाए कुछ ग्रेडियंट्स के फॉर्मेट्स दे रखे हैं, उन्हें पेज पे अप्लाई कर सकते हैं। उन फॉर्मेट्स के लिए यहाँ पर आकर क्लिक करेंगे। हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, देखेंगे बहुत सारे हमें अलग अलग टाइप्स के प्रीसेट्स ग्रेडियंट्स दे रखे हैं। ये देखिए आपको जो भी ग्रेडियंट चाहिए होगा उसे सेलेक्ट करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। अगर हमें पेज से ग्रेडियंट भी हटाना है तो उसके लिए भी नो कलर पर क्लिक करना होगा। पेज कलर में आएंगे, फिल इफेक्ट में आएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है टेक्सचर। टेक्सचर का ऑप्शन का यूज करके हम अपने पेज पर टेक्सचर्स अप्लाई कर सकते हैं। हम स्क्रॉल करके आएंगे तो देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के टेक्सचर्स भी दिए हुए हैं। जो भी हमें टेक्सचर पेज पे चाहिए होगा उस पर क्लिक करेंगे और आकर ओके पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारा टेक्सचर भी पेज पर आकर इंसर्ट हो जाएगा। अगर टेक्सचर भी हटाना है पेज से तो उसके लिए भी नो कलर पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है फिल इफेक्ट में पैटर्न्स। हम अपने पेज पर डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के डिजाइन्स के पैटर्न शो कर रहे हैं। अब आप अपने अकॉर्डिंग
कलर्स चूज कर सकते हैं कि आपका जो पैटर्न हो उसके फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में क्या कलर चाहिए। तो फोरग्राउंड का कलर सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर फोरग्राउंड पर आकर क्लिक करेंगे और जो भी कलर चाहिए होगा उससे पर आकर क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट है बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड में जो कलर चाहिए होगा उसको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और वो कलर आकर सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप जो भी फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में कलर करेंगे सेलेक्ट करेंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पैटर्न शो करेंगे। तो आपको जो भी पैटर्न अपने पेज पे अप्लाई करना है उस पर क्लिक करेंगे और आके ओके पर क्लिक कर देंगे, वो पैटर्न आपके पेज पर अप्लाई हो जाएगा। पैटर्न को भी हटाने के लिए पेज से पेज कलर में आएंगे और नो कलर पर आकर क्लिक कर देंगे। पेज कलर में नेक्स्ट ऑप्शन है पिक्चर। अगर हमें पेज पर कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो उस पिक्चर को सेलेक्ट करने के लिए जिसे हमें पेज पे ऐड कराना है उसको लेने के लिए सेलेक्ट पिक्चर पर माउस का लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे, वर्क ऑफलाइन पे जाएंगे और सेलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करते ही पिक्चर लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। अब जो भी पिक्चर आपको अपने पेज पर इंसर्ट करानी है उसे सेलेक्ट करेंगे माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके और यहाँ पर इंसर्ट पर आकर क्लिक करेंगे। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद ओके पर जाकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारी वो पिक्चर पेज पर आकर ऐड हो जाएगी। अगर पेज से पिक्चर हटानी है तो हटाने के लिए पेज कलर पे यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करेंगे और नो कलर पर जाकर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से हम पेज कलर ऑप्शन पर जाकर अपने पेज पर कलर, पिक्चर, ग्रेडियंट, टेक्सचर वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हमें कलर, पिक्चर, ग्रेडियंट, टेक्सचर किसी को भी पेज से रिमूव करना है तो उसके लिए नो कलर ऑप्शन पर जाकर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर ऑप्शन पर जाकर हम अपने पेज पर या सेलेक्टेड टेक्स्ट पर बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हमें सेलेक्टेड टेक्स्ट पर कलर भी अप्लाई करना है उसके बैकग्राउंड में या फिर अपने टेक्स्ट के कलर को हाईलाइट कराना है तो भी हम पेज बॉर्डर ऑप्शन पर जाकर कर सकते हैं। अगर हमें पेज पे बॉर्डर लगाना है तो हम यहाँ पर पेज बॉर्डर ऑप्शन पर जाएंगे और पेज बॉर्डर पे यहाँ पे हमें सेटिंग शो कर रही है, यानी कि हम यहाँ से अपने पेज बॉर्डर को सेट कर सकते हैं कि किस तरीके का पेज बॉर्डर हमें इंसर्ट कराना है अपने पेज पर। यहाँ पे आपको कुछ स्टाइल्स दे रखी है कि बॉक्स के फॉर्म में, शैडो के फॉर्म में, 3D बॉर्डर, किस तरीके का बॉर्डर चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर बॉक्स पे क्लिक किया, अब हमें यहाँ पर स्टाइल दे रखी है। हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो देख सकते हैं डिफरेंट टाइप की यहाँ पर बॉर्डर के लिए स्टाइल दे रखी है। आपको जिस भी स्टाइल में बॉर्डर चाहिए होगा उस स्टाइल पर क्लिक करेंगे। आपको राइट साइड में यहाँ पर आपका जो भी बॉर्डर की सेटिंग करेंगे वो यहाँ पर उसका प्रीव्यू शो करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कलर। कलर में जाकर हम अपने पेज बॉर्डर का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी कलर हमें अपने पेज बॉर्डर पे रखना है। जो कलर चाहिए होगा उस पर जाकर माउस से क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है विड्थ। विड्थ से हम अपने पेज बॉर्डर की चौड़ाई सेट कर सकते हैं। जितने भी हमें पेज बॉर्डर की चौड़ाई रखनी है उसको लेने के लिए डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। अब आपको जैसे मुझे 3 PT रखनी है
तो 3PT पर आकर क्लिक कर देंगे और पेज पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आएंगे और ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं क्लिक करते ही हमारे पेज पर बॉर्डर आकर इंसर्ट हो गया। इसी तरीके से अगर हमें हमारे टेक्स्ट पे बॉर्डर अप्लाई करना है तो हमें पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा जितने टेक्स्ट में हमें बॉर्डर लगाना है। तो पहले आकर हम अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद पेज बॉर्डर में जाएंगे और टेक्स्ट में बॉर्डर लगाने के लिए बॉर्डर पर आकर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से सेटिंग करेंगे कि किस तरीके का बॉर्डर चाहिए। जैसे मैंने शैडो पे क्लिक किया तो अब जब हमारा बॉर्डर लग के आएगा तो हमारे बॉर्डर में शैडो भी शो करेगी। यहाँ से बॉर्डर की लाइन स्टाइल ले सकते हैं कि बॉर्डर में जो लाइन स्टाइल हो वो किस तरीके की चाहिए, बॉर्डर का कलर क्या रखना है, बॉर्डर में आके कलर सेट कर सकते हैं, बॉर्डर की विड्थ जितनी रखनी होगी बॉर्डर की विड्थ सेलेक्ट कर लेंगे और ओके पे आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारे सेलेक्टेड टेक्स्ट में बॉर्डर अप्लाई होकर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे बॉर्डर में शेडो भी शो कर रही है क्योंकि मैंने जो बॉर्डर टाइप लिया था वो शेडो था। अगर हमें सेलेक्टेड टेक्स्ट को हाईलाइट कराना है तो उसके लिए भी हमें अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा जितने एरिया को हमें हाईलाइट कराना है। उसके बाद हम पेज बॉर्डर पे जाएंगे और शेडिंग पे जाएंगे। शेडिंग में जाने के बाद यहाँ पर फिल में डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। अब जिस भी कलर से हाईलाइट कराना है अपने टेक्स्ट को, जो भी शेड देना है उस कलर को सेलेक्ट करेंगे और ओके पर आकर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से हम अपने सेलेक्टेड टेक्स्ट को बैकग्राउंड को हाईलाइट भी कर सकते हैं। अगर हमें पेज से बॉर्डर हटाना है तो पेज से बॉर्डर हटाने के लिए पेज बॉर्डर पे जाएंगे, यहाँ पर पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और आकर नन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद पे ओके पर जाएंगे और ओके पर भी क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारे पेज से बॉर्डर हट जाएगा। नेक्स्ट, अगर हमें टेक्स्ट से बॉर्डर हटाना है तो उसके लिए पहले हमें टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा। हम अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद ही टेक्स्ट से बॉर्डर रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए पेज बॉर्डर पे जाएंगे, जाने के बाद में बॉर्डर्स पे जाएंगे, बॉर्डर्स में जाने के बाद नन पर क्लिक कर देंगे, नन पर क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे कंटेंट से भी बॉर्डर हट जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है हाईलाइट कर रहा है उसका हाईलाइटर या शेडिंग हटानी है, उसको हटाने के लिए अपने कंटेंट को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, शेडिंग पे जाएंगे, शेडिंग में जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और नो कलर पर जाकर क्लिक कर देंगे। नो कलर पर क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही सेलेक्टेड टेक्स्ट से हाइलाइटर भी हट जाएगा। तो अगर हमें पेज पे बॉर्डर लगाना होता है तो उसके लिए हमारे पूरे पेज के काम को सेलेक्ट करना जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर हमें किसी कंटेंट मतलब टेक्स्ट पे अगर हम चाहते हैं बॉर्डर लगाना तो हमें पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद ही हम अपने सेलेक्टेड टेक्स्ट पे बॉर्डर लगा सकते हैं। अगर हमें इसी तरीके से बॉर्डर कंटेंट से हटाना है तो पहले हमें अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा और सेलेक्ट करने के बाद ही हम अपने कंटेंट से बॉर्डर हटा सकते हैं। हम वापस से पेज बॉर्डर पे आएंगे और यहाँ पर पेज बॉर्डर में हमें नीचे की तरफ आर्ट ऑप्शन शो कर रहा है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमें कुछ बॉर्डर्स के पहले से बने बनाए पेज बॉर्डर
आपके ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो हम इन फॉर्मेट्स को भी अपने पेज बॉर्डर पे लगा सकते हैं। आपको जो भी फॉर्मेट आपको अपने पेज पे एज अ पेज बॉर्डर इंसर्ट करना है उस पे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे। ओके पर क्लिक करते ही हमारा वो फॉर्मेट एज अ पेज बॉर्डर लग के हमारे पेज पर आ जाएगा। इसे भी अगर हमें हटाना है तो हटाने के लिए हम लोग पेज बॉर्डर पे जाएंगे और जाने के बाद पेज से बॉर्डर हटाने के लिए नन पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि किस तरीके से हम अपने पेज पर कलर, पिक्चर, ग्रेडियंट, टेक्सचर या पैटर्न ऐड करा सकते हैं और किस तरीके से हम अपने पेज पर या फिर अपने कंटेंट पे बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं और अपने कंटेंट में शेडिंग ऐड करा सकते हैं। अब इसके आगे के ऑप्शंस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।